हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली माय फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज मुझे नहीं पता हम क्या करने वाले हैं। देखते हैं जो आगे होगा आपको दिखाएंगे। सो गाइज, आप देख रहे होंगे कि मैंने ये कौन सा स्वेटर पहना हुआ है। सो ये मेरे हस्बैंड का है, सोनाली का, जो जिस कंपनी में है वो उस कंपनी की ड्रेस कोड है ये। सो एक्चुअली मॉर्निंग में गाइज ये बच्चे सो रहे थे तो मैंने अलमीरा ओपन नहीं करी, तो मैंने उस साइड में जो सब बैग निकाला, मैंने जो वॉर्म क्लोथ्स का बैग निकाला उसमें से यही मेरे हाथ में आया, तो मैंने यही पहन लिया है ना। क्योंकि घर में जनरली कुछ भी पहन लेती हूँ मैं, इनका स्वेटर, अपनी जैकेट, जो मेरे हाथ में आ जाता है मैं वो पहन लेती हूँ। ये देखिए, और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। एक तो व्हाइट कलर है इसका, उस पर व्हाइट पे ब्लू ये डिज़ाइन हुआ है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आप ये मत सोचिएगा कि कुछ भी पहन लेती है, घर में है, चलता है गाइज। तो गाइज बस यही है। और भाई साहब उठ चुके हैं, भाई साहब को हो रही है खांसी, और ये देखिए मैं सोच कह रही हूँ ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जा, नहीं बैठ रहा है। और भाई साहब का होने वाला है टाइम स्कूल का, तो मैं चलती हूँ इसको रेडी करने के लिए और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, बाबू को छोड़ के मैं आ गई हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़े अलमारी सेट कर लूँ। अब मैं जा रही हूँ करने अलमीरा ठीक। जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं वो अलग कर दूंगी, और जो वुलन क्लोथ्स हैं वो उसमें अंदर रख दूंगी। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा काम है मेरे को बड़ा, तो अब मैं करती हूँ अलमीरा से। आज मैं आया हूँ भाई साहब को स्कूल लेने, क्योंकि गाइज आज मेरी छुट्टी नहीं थी, पर मैं स्कूल से आया हूँ क्योंकि आज भाई साहब लेट हो गए। और आज क्या हुआ? और रुक जा। और गाइस मेरे कार्तिक ने ले रखे हैं दो दो बैग, अपना भी भाई का भी। गुड। क्या कैसा था आज स्कूल? बहुत मस्त था, मेरा भी। अच्छा। और मैंने स्कूल में आराम से, बच्चों ने मुझे मारा था, फिर आपने मैम से शिकायत की थी? मैम से की थी मैंने शिकायत। अच्छा, पता मम्मा को निन्नी आई है बहुत जोर से। अब आप खाना खा के सो जाना दोनों भाई। गाइज तब से फाइनली, रुक जाए एक मिनट, तब से फाइनली गाइज इतनी सेट हो पाई है, और बाकी जितने कपड़े हैं गर्मियों के वो मैंने इसमें भर दिए, तो बाद में मैं उसमें से अलग अलग करूंगी कि क्या रखना है क्या नहीं। और ये यहाँ तंग मचा हुआ है, देख लो। अथर्व आपका फ्रेंड है सच में? खेलो 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 खेलो, ये सही है, थोड़ा धूप भी आ रही है ना, फिर ठंड हो जाती है। वेरी गुड। देखो बाबू आप भी खेलो। क्या लग गई? कहाँ लगी? कितने दिनों बाद कर रहे हो एक्सरसाइज आप? ए पकड़े रही हो, गिर जाए कहीं। दोनों हाथों से पकड़, डिसबैलेंस हो जाता है, दोनों हाथों से पकड़ो। ए कार्तिक एक्टिंग मत कर ज्यादा, आराम से, ज्यादा जोर से नहीं, आराम से। नहीं मान रहा ना? ओए हो, ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है भाई? ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है बताओ, जल्दी बताओ। ये मच्छर की तरह पतले होने वाली एक्सरसाइज है। मैं चला रही हूँ साइकिल, आप देख सकते हो। ऊपर पीछे नहीं, आगे। हाँ ऐसे? ओम इधर आओ। और गाइस ओम का बेस्ट फ्रेंड मिल चुका है थर, गाइस जल रही है, तेज तेज करो। हाँ शोल्डर्स गाइस देखिए, मतलब वह मस्त एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज मिलता है, अरे मैं तो तरह होगा सही है, मतलब गाइस अब ये आ जाओ, फिर मम्मा आप ले लो कैमरा। और गाइस ये है वो पेड़ जो मैंने इंडिपेंडेंस डे पे उगाया था, और ये बड़ा हो गया है, देख लीजिए आप। सो गाइस अच्छा लग रहा है, देखिए गर्ल्स भी खेल रही हैं यहाँ पे सारी फुटबॉल। ए कर रहे हैं, ए आराम से बेटा, आराम से। कार्तिक जल्दी जल्दी वॉक कर, चल दो राउंड लगा उसके बाद घर चल, बैठना नहीं है, वॉक करो। सो गाइस we came back from the park and I did my whole household work, but I didn't cook the food, so I am going to cook the food. So guys मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी। बनने जा रहा है, बढ़िया सा मसाला प्रिपेयर होने जा रहा है गाइस।
ये देख लीजिए। और भाई साहब ने आज आफ्टर लॉन्ग टाइम साइकिल निकाली है, जो कि इसकी वन ऑफ फेवरेट है। कौन है? और हमारे पतिदेव आ चुके हैं ऑफिस से। आप इनका व्लॉग भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और क्या आया है आज ठाकुर जी के लिए? क्या आया है ठाकुर जी के लिए? है क्या आया है ठाकुर जी के लिए? पेड़ा? जलेबी क्यों नहीं लाए? ओह माय गॉड, देयर आर लॉट ऑफ क्रैक्स फॉर यू। काउंट करो कितने हैं। 1, 2, 3, 4। बताओ गाइस को कितने, जल्दी से। बहुत सारे हैं, लॉट ऑफ हैं। बोलो, देयर आर लॉट ऑफ। वेरी गुड। इतने सारे क्रैक्स? इतने नहीं खाते बाबू, खांसी हो जाती है। और ये टॉयज के वजह से गाइस मंगवाए हैं इसने, कि मुझे टॉयज निकलेंगे इसके अंदर से, इसलिए। सो गाइस यहाँ पे बन गई है, देख लीजिए, बढ़िया सी मटर की पनीर की, मटर पनीर नहीं, ओनली पनीर की सब्जी। और अब ये देखिए, भाई अंदर पढ़ रहा है और ये बार बार डिस्टर्ब करने के लिए पड़ा हुआ है। इसके यही काम है, खुद तो अपना पढ़ना नहीं है, दूसरा पढ़े सो डिस्टर्ब करो। वैसे ही जन्म में कर्म पढ़ने बैठता है वो। ए नो, चलो गो आउटसाइड, गो आउटसाइड, डोंट डिस्टर्ब टू भाई, डोंट डिस्टर्ब। टेल मी सम पोयम। नो, तेरे ना कंगे जैसे दांत हो जाएंगे, कॉम नहीं डालते मुंह में। सो गाइस, मैं एक दिन ना ये वाला ये खरीद के लाई थी नेल पेंट, और आज तक मुझे टाइम नहीं मिला लगाने का। आप ये देख लो। आजा बेटा, भाई ले लेगा क्रैक्स आपके। चलो गाइस को दिखा दो, गाइस क्रैक्स बेच रहा हूँ मैं, तो क्रैक्स ले लो जल्दी, बेचो क्रैक्स। भाई साहब कितने का दिया? 30 रुपए का। 30 का? 5 रुपए की चीज 30 रुपए में बेच रहे हो? ये तो बड़ा खुरापाती आदमी है भाई, ये तो बहुत महंगा बेच रहा है क्रैक्स। नो, हम नहीं लेते। चलो 30 रुपए कौन देगा? मजाक करना था। अच्छा, मजाक भी करता है? अरे वाह, 300 रुपए, 300 का आता है। 300 का? अच्छा, 30 से 300 हो गया। ओहो हो, वाओ, वेरी गुड। सो गाइज, यहाँ बनाया जा रहा है हाफ सर्कल। भाई साहब सीख रहे हैं बनाना, कि हाफ सर्कल कैसे बनाते हैं। बनाओ अच्छे अच्छे से गाइज, देख रहे हैं, देखो लेट लेट के बना रहा है। उठ के बनाओ बेटा, अच्छे से उठ के बनाओ, बनाओ बनाओ। कर बेटा अच्छे से। क्या बना रहे हो आप बेबी? आप थलकल, आप थलकल, आप सलकल। बनाओ जल्दी जल्दी। सो गाइस, खाना वाना सब डन हो गया है, और अब कार्तिक अपना मैथ्स का काम कर रहा है, और ये भाई साहब जो है ये अपना ये कर रहा है, हाफ सर्कल बना रहा है। सो गाइस, बड़ा ही डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में बच्चों को कराना, बट ये है कि आज इसने हाफ सर्कल सीखा है। सो वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, पोएम सुना दो एक अच्छी सी। मैम कौन सी सुना सिखाया था मैम ने? वो वाली, केले वाली। बताओ बताओ, केले वाली सुनाओ। एक अंकल केले खा लेते ना, तो ने नीचे फेंक दिया था केले का छिलका। अच्छा, फिर? फिर छली घुमाई, फिर मुंह से निकला हाय राम, हाय राम। तो पोयम है। हाथी राजा वाली सुना, सुना दो सब गाइस को। हाथी राजा बहुत बड़े सूढ़े लाके कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चतल पतल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जॉनी जॉनी सुना दो। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ओहो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल डन, वेल डन, वेल डन। नो 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 नो, बैट। अच्छा अच्छा अच्छा, गाइस को बता दो कि इंग्लिश में आंखों को क्या बोलते हैं? आईज।
नाक को क्या कहते हैं? नाक, नाक को नाक बोलते हैं। मुंह में डालने और पेंसिल मुंह में डालने से लग जाती है बेटा। सो गाइस बस हो गया है डन इसका वर्क, और अब मैं जा रही हूँ इसको थोड़ा सा बुक पढ़ाने, क्योंकि बुक जो पढ़ाना आता है बहुत ही कंपलसरी होता है, इससे इसको बहुत ही हेल्प मिलती है। नो नो नो, भागना नहीं, देखो कहाँ वो भाग गया गाइस, देख लो पढ़ने के नाम पे। ठाकुर जी को सुलाया जा रहा है, अब इनका सोने का टाइम है, सुला दिया देखो उन्हें। राधे राधे कर लो, जय जय श्री। कहाँ है ठाकुर जी? ठाकुर जी को नहीं दिया इसको, रोज सुलाता है ये। चलो बाय बाय कर दो सबको। इतना शैतान मतलब बच्चे है ना कि ये जब तक इनको खींच खींच के ना पढ़ाया जाए तो ये नहीं पढ़ सकते हैं। सो गाइज इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए गाइज, मोर मोर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, आगे बढ़ाइए गाइज, यही कहना चाहती हूँ मैं। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं एंड होता है, कल मिलते हैं एक न्यू एंड बहुत ही फैंटास्टिक व्लॉग के साथ। सो गाइज राधे राधे, जय माता दी।